हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मेरा होने वाला है काजल की शादी में। हम जा रहे थे और आज है भात वाला दिन, तो आज आपको दो व्लॉग एक साथ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और आन्या देखो कैसी लग रही है। पीछे मेरी मम्मी और पूजा बैठी है और पीकू है, तो मैं पापा के साथ ही जा रही थी। मैं भात वालों की तरफ से थी और बुआ वाले तरफ से भी। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, भात लेके कभी भी किसी का भी जाते हैं ना, तो सारी गाड़ियाँ इकट्ठी जाती है। और ये देखो मेरी प्रिंसेस इतनी प्यारी लग रही है। मैंने इसके लिए लिलिक कलर का फ्रॉक मंगाया था फर्स्ट क्राई से, लग रहा है ना बहुत सुंदर। तो हमारे वहाँ से सारे लोग आ गए थे, यानी मेरे मायके से। तो मेरे बुआ की लड़की की शादी है, मैं आपको बता दूँ, काजल की, जो कि आपने मेरी कई सारी वीडियोज़ में पहले देखी होगी। तो भाई उनके घर हम पहुँच गए हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा था, मैं दोनों साइड से थी, तो मैं फटाफट से अंदर आके तैयार हो गई। अंदर पूरी तैयारी वैयारी सब स्टार्ट हो गई थी भातियों के पेट में। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे भाती एक साथ इकट्ठे हो गए। कुछ बाद में भाई बहुत सारे भाती थे पीछे आप देखो। तो यहाँ पे मम्मी आ गई कीकू के साथ, नोट पीकू के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से टीका और आरता किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये वाले दुपट्टे में लेके आई थी, शायद भादुरगढ़ से भी लेके आई थी, बहुत सुंदर दुपट्टे थे। तो ऐसे सर पे भात उठाया जाता है, माला पहनाई जाती है। आपके यहाँ पे क्या रिचुअल्स होते हैं भात को लेके बताना ज़रूर। तो यहाँ पे पीकू की और पूजा की बारी आ गई, इस तरीके से टीका किया। विनीत को भी मैंने बुला लिया कि भाई तू भी साथ में आ जा। तो आज ना भात वाला दिन था और नेक्स्ट वाला दिन जो था उसमें काजल की शादी थी। इसके बाद ये भात फेरते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, गुड़ और यहाँ पे खील वगैरह यूज़ करते हैं। तो मेरी बुआ की जो नंदी थी वो रास्ता रोक के खड़ी हो गई थी कि भाई आज तो बढ़िया तरीके से पैसे लेंगे। तो यहाँ पे उन्हें अच्छी खासी जितनी उन्होंने पैसे लेने थे मिल गई और सारी बहनें बहुत खुश हो गई। इसके बाद मेरी बुआ वगैरह का भी नंबर था, तो मैंने भात का ब्लॉग बहुत पहले डाला था। ईद का चांद निकला है, दिखा दियो, फाइनली हम आ गए हैं। एंड हियर इज काजल लुकिंग सो गॉर्जियस। सीरियसली लाइक पहली बार काजल को इतना मैंने मेकअप करते हुए देखा। और सीरियसली बताऊँ, टचवुड बहुत सुंदर लग रही है। ओके, सच्ची बहुत प्यारी लग रही है। लाइक लहंगे का टोन भाई, तभी लहंगा मेरी पसंद का है, कमेंट्स करके बताना लहंगा कैसा लगा आप लोगों को। और मेकअप जो है ना वो काफ़ी सूदिंग सा है, मतलब हाँ कोई देखा है, हाँ नेचुरल लग रहा है, ओवर बिल्कुल नहीं लग रहा है, लुक एट दैट। और जो उन्होंने ये हाइलाइटर लगाया ना, दैट इज मतलब नेक्स्ट लेवल मेकअप, अच्छा लग रहा है बहुत। तो या कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, फेरे लेने के बाद दोबारा करेंगे। ओके देखो भाई अच्छी लग रही है ना। तो ये आ गई, ये हमें लेके आए क्योंकि मैं रेडी हो गया, आज मेरे साथ सीन हो गया, वो सीन मैं बाद में बताऊंगी। एंड लुकिंग ऑसम। ओके, तो मैं जा रही हूँ, अभी हम खाना खाने आए थे क्योंकि इसके बाद मुझे अपने आरती की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे है काजल का प्रोग्राम, तो उधर जाके मेरी बहनें डांस कर रही है, मोरी मम्मी दूर से दिख गई, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। गाइस, हमारी आरती की थाली तैयार है क्योंकि हमें करना है आरता, ठीक है। तो उन्होंने किस छोरी का चाल है ना, क्यों ले चालो मेरे नाम का, इसमें रानी था बर्फी दरवाले, अरे ये ले चालो, ये मैं ले रही हूँ, ले लिए क्या बात होगी, पूरे पैसे मिल जाएंगे अभी मिल ले। तो चलो मुझे काजल के साथ जाना है, बर्फी दरवाजा खिलावेगी। मिठाई रानी देवेगी ना, रानी किस कमरे में है, रानी बर्फी चाहिए। हमारी बारात आने वाली है, दुल्हन इंतजार में खड़ी है और दूल्हा इंतजार करवा रहा है, और बारात जस्ट आ चुकी है। तो बुआ के यहाँ दूध पिलाने की रस्म होती है रथ पे चढ़ के दूल्हे को, बाद में क्लिप्स आएंगे, हमारे फोटोग्राफर भी आ गए। तो अभी बस आ गई, जस्ट बारात आ चुकी है, वी आर रेडी, मेरा आरता रेडी है, इसका नीम रेडी है, और अच्छा।
सौंडी बच्चा हो गया, सौंडी बच्चा हो गया। विदाई के टाइम पे अपने भी याद आ गई यार, मतलब और सारी गाड़ियां एक साथ निकल रही हैं, तो पापा की गाड़ी है, पापा की गाड़ी के पीछे पीछे अभी काजल की गाड़ी भी हमारे साथ में ही है, और सब साथ ही जाएंगे।